अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है तुहाडा फकीरी रंग चैनल दे विच। एक बार फिर हाजिर हाँ आप जी की खिदमत विच अज दा ए नवां वीडियो लेके। अज दे इस वीडियो विच आपां गल करांगे कि इस्मे आजम दा जो कलमा है वो केड़ा है, केड़ा कलमा है जो इस्मे आजम दा कलमा पढ़िया जावे हो सकारां दे लई। तो अज दा वीडियो शुरू करन तो पहले एक छोटी जी आप जी दे नाल एक गल सांझी करांगा। ये गल है सरकार हजरत सुल्तान बाहू जी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे जीवन दे विचों। कहिंदे कि जदों हजरत सुल्तान बाहू जी जिहड़े के उस मालिक दा बिरद करदे सन, जदों बिरद पकाउंदे रहे पर सीने दे विचों नूर ना पैदा होया ते उन्हां दा इश्क सच्चा सी पर कोई मुर्शिद है ना सी, ते उस अल्लाह की वंदगी करते रहे, इबादत करते रहे करते रहे। एक दिन खुद अल्लाह की तरफ आवाज आई कि सुल्तान बाहू तुसी जाओ बगदाद शहर दे विच शेख अब्दुल कादर शाह जलान, महबूब सुभान कुतरवान, बलिया दे बली पीर मीरा गौस पाक जी हैं, उन्होंने कोलों इस इसमे अजम की चाबी है, वह चाहणगे तां तुहाडी मोहर लगेगी, तुसी बली होवोगे। उन्हां तों बिना होर ये चाबी किसे कोल नहीं है, तुसीं उन्हां कोल जाओ। ते उत्थे फिर सुल्तान बाहू जी ने एक शेर लिखिया, कहिंदे कि शहर बगदाद दी की ए निशानी, जिथे उच्चियां लंबियां चीरा हो, ए तन मेरा टुकड़े टुकड़े होया, जो दर्जी दियां लीरां हो, इन्हां लीरां दी एक कफन बनावा, ते रलसा संग फकीरा हो, शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा, ते करसा मीरा मीरा हो। तो सरकार हजरत सुल्तान बाहू जी लभदे लभदे शहर बगदाद दे विच गए मीरा गौस पाक जी कोल। उन्होंने फिर उन्होंने कहण दे अर्ज कीती, सारी गल दसी, ते फिर उन्होंने सरकार जी ने अपने रहमत दे नाल उन्हां दे दिल दे विच इसमें आजम दा नूर भर दिता, जिक्र इलाही दा नूर भर दिता। इसमें आजम दा कलमा जो है उस दे विच अल्लाहु दा जिक्र किया जाता। तो ये जिहड़ा जिक्र है ये ओही व्यक्ति कर सकता जदों कोई व्यक्ति जां तुहानूं तुहाडा मुर्शिद कामिल मुर्शिद पीर कोई इस चीज नूं बख्शे, तुहाडे नूं तुहानूं ये कलमा बख्शे, तुहाडा कोई पीर मुर्शिद होवे, तुसीं ओह तुहानूं इसमें आजम दा ये बिरद जिसने आप पगाया होवे ओह तुहानूं ये बिरद पगाउण दे लई आखे। तो तुसीं हजरत सुल्तान बाहू जी दे मुर्शिद ने जो उन्हें सरकार पीर मेरा गौस पाक जी तो एक शाह लतीफ सरकार होए ने, उन्हां दे भी जो मुर्शिद ने वह भी सरकार पीर मेरा गौस पाक जी ने। इन्होंने देखो जदों हजरत सुल्तान बाहू जी वर्गे एड्डी उच्ची पदवी के लोग वो बजुर्ग जिन्होंने उस मालिक नू पाया, उस रब नू पाया, पर मुर्शिद ना होने करके उन्होंने भी अंदर नूर नहीं पैदा होया। तो फिर आपां तां बहुत दूर हाँ, बहुत छोटे हाँ, तो आपां नू भी बंदगी इबादत दे विच इन्ना ताजगी इन्नी सफाई लैके आनी पवेगी कि जिस दे नाल अपने जिक्र करन दे विच भी सच दी बंदगी होवे, जो आपां जिक्र करिए उस मालिक दा, ते फिर उस गैबी आवाज दे नाल आपां नू मुर्शिद दी आमद होवे। तो मुर्शिद पाक जो ने वह जदों कोई बिरद आपां नू बख्शदे ने ते फिर मुरीद दी एक बिरद पगाउण दी ड्यूटी लग जांदी है कि वह बिरद नू पगावे, ते फिर हजरत पीर मीरा गौस पाक सरकार जी दी जाके चौक चुम्मे, फिर उत्थों उस सरकारां दी मोहर लगदी है। बहुत सारे दोस्त ये पुछदे ने कि हजरत पीर मीरा गौस पाक दी इबादत कितां कीती जांदे। तो अज तुहानूं शायद इस वीडियो विच वह नुकता मिल जाएगा। तो अज दा वीडियो दे विच बहुत वड्डा नुकता है जो मुर्शिद पाक जी ने नाल गलबात कीती, सलाह कीती, ते आप लई जी लैके आया, ते तुसीं जरूर इस चीज ते गौर करना, मुर्शिद वाले होना। मैं दुआ करता कि 11वीं शरीफ के दिन चलते हैं,
ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕੇ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗੀ ਤੋ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ।